आज मैं दिखाने जा रही हूँ दोस्तों अपने भिंडी के प्लांट्स जो न्यू लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। ये देखिए दोस्तों, ये पहले के लगाए हुए हैं। ये तीन ही प्लांट है और तीन भी 30 के बराबर है। देखिए कितने हेल्दी हैं। और ये है न्यू प्लांट जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लगाए, सीड से ग्रो किए मैंने। देखिए इसमें घास भी कितनी सारी हो गई है, खरपतवार। पहले ये निकाल लेते हैं, ऐसे तो दिख ही नहीं रहे प्लांट जो है। तीन बड़े बड़े हैं प्लांट भिंडी के, और बाकी ये जो अभी न्यू लगाए हैं ये अभी छोटे हैं। देखिए कितने अच्छे हो गए हैं ये भी। आज इनकी साफ सफाई करते हैं, खरपतवार निकालते हैं पहले। ये तो हफ्ते दस दिन में हो जाती है। मैं तो जितनी बार आती हूँ बस निकालती रहती हूँ। ये फिर निकल आते हैं। देखिए कितना सारा निकल आया, इसको दूर फेंकूँगी। घास में कीड़ा भी है, दिख रहा है पत्ते इसके खराब दिख रहे हैं। ये देखिए इधर भी हो गई है एक कोने में, ये भी निकाल ही लेती है। इसमें ये पोई का प्लांट है, ये भी एक कोने में हो गई, ये भी लगे हाथ निकाल ही लेती हूँ। आजकल वैसे भी मज़ा आता है घास निकालने में, क्योंकि मिट्टी गीली होती है, फटोफट निकल जाती है। देखिए कितनी निकल गई है इसमें से भी। ये तोरी की बेल है और इधर ये पोई की बेल है। चलिए अभी थोड़ी थोड़ी हल्के हाथों से गुड़ाई कर लेती हूँ ऊपर से। ये पूरी सेट हो गई है मिट्टी, फिर इसके बाद गोबर की खाद डालती हूँ थोड़ी थोड़ी। गोबर की खाद भी अभी अच्छी गल गई है, काफ़ी पुरानी है मेरे पास। ये देखिए एकदम अच्छे से डीकम्पोज हुई है। जितनी पुरानी गोबर की खाद होगी उतनी अच्छी रहेगी। थोड़ी थोड़ी अभी ये डाल देते हैं। गुड़ाई मैंने इसीलिए की है कि खाद का जो असर है वो नीचे जड़ तक जाए प्लांट के। थोड़ी थोड़ी सब जगह डाल देंगे। ये देखिए हो गया। इसके ये प्लांट भी बहुत भारी हो गए, इसके पत्ते थोड़े थोड़े मैं कट कर दूंगी, क्योंकि सारा जो प्लांट का जो सारा ताकत है वो यही पत्ते ही ले रहे हैं।
कट कर दूंगी तो इसमें फ्रूट फिर अच्छा आएगा, फ्रूट मतलब भिंडी अच्छी लगेगी, भिंडी में जाएगा सारा, भिंडी बनाने में लगाएगा ये प्लांट पूरी ताकत है। ऐसे तो पत्ते देखिए कितने हेल्दी हो रहे हैं और कितने सारे निकले हुए हैं। ज़्यादा नहीं, जो नीचे नीचे वाले जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो ही काटने हैं, ज़्यादा नहीं काटने। देखिए भिंडी कितनी लंबी लंबी हो रही है, एकदम सॉफ्ट भिंडी है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन भिंडी निकल आती है, अच्छी मिल रही है अभी खाने को भिंडी। ये देखिए ये वाले प्लांट जो है इनके पत्ते भी कितने बड़े बड़े हो गए, और इनको सपोर्ट मैं देती रहती हूँ। ये प्लांट गिर जाते हैं, बड़े बड़े हो गए और ऊपर इसका वजन भी ज़्यादा हो गया पत्तों से, थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए हो गया, कितने सारे पत्ते निकल गए। ये देखिए फ्लावरिंग भी आ रही है और फल भी लग रहे हैं, साथ साथ में फ्लावरिंग साथ साथ में फल लग रहे हैं। ये थोड़ी सी पोई के पत्ते भी ले लेती हूँ। देखिए कितने हेल्दी पत्ते हैं ये। तो आज का वीडियो मैं दोस्तों यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।